बस आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा, दिल्ली में वापस आना होगा। महेंद्र सिंह धोनी भारत के नाज हैं, झारखंड के नाज हैं, और इन्होंने जो फैसला लिया है, आज झारखंड स्टेट डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से हम सारे लोग जो प्लेयर्स भी यहाँ हैं, हम लोग उनसे मांग करते हैं कि वो अपना फैसला को बदलें। महेंद्र सिंह धोनी के बिना क्रिकेट के बारे में सोचना बेकार है। ये डिसीजन एक लायन हार्टेड आदमी ही ले सकता है, एंड जो डिसीजन है ऐसे महान खिलाड़ी ने एक बड़े गर्व के साथ, फॉर मी इट वॉज इमोशनल बट ही वॉज फर्म। और मैंने जब उसे पूछा कि MS क्या आपको कोई प्रेशर है या कोई ने कंपल्सन हुआ या कोई ऐसी बातचीत, कोई अनबनाव बनाव हो गया है जिसके हिसाब से आप सोचते हो कि नहीं नहीं सर नहीं है, बट मैंने सोचा है और मैं सोचता हूँ कि अच्छा है तो मैं दूसरी फॉर्मेट में कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ अच्छी तरह से। एज फार एज फिटनेस इज कंसर्न, हर कोई फिट है और एवरी वन इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन एज ऑफ नाउ, और आज के प्रैक्टिस सेशन में भी कुछ नहीं हुआ है, तो आई थिंक एवरीबडी विल बी अवेलेबल। धोनी का योगदान बहुत है भारतीय क्रिकेट के लिए, लेकिन एक कप्तान जिसने 3-3 विश्व कप जिताए हों, वह व्यक्ति इस प्रकार से भगोड़ा बन जाए, रणछोड़ दास बन जाए, वह उचित नहीं है। या तो पहले अनाउंस कर देते सीरीज के कि मैं टेस्ट सीरीज श्रृंखला खेलने के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं, कप्तानी छोड़ रहा हूं, या श्रृंखला खत्म हो जाता उसके बाद करते। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे विश्व विजेता टीम भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्री महेंद्र सिंह धोनी का। सचमुच बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण। आप दोनों का हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं मंच पर, और साथ ही मैं अब मंच पर आमंत्रित कर रही हूं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री झारखंड श्री सुरेश महतो जी को। तालियों के साथ